Hello my dear students, I hope you all are fine at your places. So we were reading the chapter number 3 road uh, engine trouble of class 7th on page number 14. Students in our previous videos we have already read page number 14, 15, 16 and page number 17 till this paragraph. The first paragraph on page number 17 we have read so what we read in this chapter that one man won a lottery ticket and he won a road engine in his lottery and how a road engine became his big trouble so reading from this paragraph today वेन आई वॉज रिलीज फ्राम द लॉकअप आई फाउंड द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस जब वो लॉकअप से बाहर आया उसको पुलिस पकड़ के लेके गई थी क्योंकि उसके रोड इंजन ने काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा दी थी एक कंपाउंड वॉल को तोड़ दिया था और एक जो टेम्पल एलिफेंट है उसको भी मीन्स इंजरी हुई थी सो so, इन सारी आ, चीज़ों की वजह से उसको लॉकअप में बंद किया गया था सो वेन आई वॉज रिलीज फ्राम द लॉकअप वो जब वो लॉकअप से बाहर आया आई फाउंड द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसिस तो मुझे ये सारी कॉन्सिक्वेंस uh, मतलब ये सारे रिजल्ट मिले बाहर आने के बाद फर्स्ट इज़ सेवरल यार्ड्स ऑफ कंपाउंड वॉल टू बी रिपेयर बाय मी मुझे एक बड़ी कंपाउंड वॉल की रिपेयर करवा करवानी होगी सेकेंड नंबर वेजिस ऑफ फिफ्टीन फिफ्टी मैन हू रैन अवे जो फिफ्टी मैन उसने काम पर लगाए थे उस रोड इंजन को पुश करने के लिए उनके उसको रैन उसको वेजेस पे करने थे दे हैव मैंशन ईयर दे वुड नॉट एक्सप्लेन हाउ देवर एंटाइटल वेजस वेन दे हैव नॉट डन देअर जॉब वो बता रहा है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि जब वो फिफ्टी मैन ने अपना काम किया ही नहीं उस रोड इंजन को मूव किया ही नहीं देन वाई वर एक्सपेक्टिंग देयर वेजेस क्यों वो अपने वेजेस मांग रहे थे अपना खर्चा मांग रहे थे थर्ड नंबर कमिटमेंट वॉज जोसेफ्स फ़ी फॉर स्टियरिंग द इंजन ओवर द वॉल जोसेफ़ की फ़ी उसको पे करनी पड़ेगी जो उसने जोसेफ ने इंजन को स्टेयर किया था उसकी स्टियरिंग को कंट्रोल किया था नंबर फोर इज़ कॉस्ट ऑफ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग द नी ऑफ द टेम्पल एलिफेंट विच हैड रिसीव्ड सम इंजरीज वाइल किकिंग डाउन द वॉल उसको उस टेम्पल एलिफेंट की नी इंजरी की मेडिसन uh, फीस देनी होगी मेडिसिन कॉस्ट देनी होगी क्योंकि उसके जो एलिफेंट था टेम्पल एलिफेंट उसने जब कंपाउंड वॉल को हिट किया तो उसकी लेग में इंजरी आई थी अगेन ही मैंशनड हियर हियर अगेन द टेम्पल अथॉरिटीज़ वुड नॉट लिसन वेन आई पॉइंटेड आउट दैट आई डिडेंट एंगेज एन एलीफेंट टू ब्रेक अ वाल तो वो बता रहा है कि मैंने उस एलिफेंट को रोड इंजन को मूव करने के लिए वहाँ बुलाया था लगाया था काम पर ना कि वॉल ब्रेक करने के लिए तो मैं ये लाइक like, एक्सपेंसिस क्यों भरूँ नेक्स्ट द लास्ट बट नॉट लीस्ट द डिमांड टू मूव द इंजन आउट इट्स प्रजेंट स्टेशन जो जहाँ पर अब इंजन वहाँ पर खड़ा हुआ था उसको वहाँ से हटाना था ये लास्ट उसकी कमिटमेंट थी सर आई वाज़ अ पुअर मैन आई रियली कुड नॉट फाइंड एनी मीन्स ऑफ पेइंग दिस बिल्स व्हेन आई वेंट होम माय वाइफ़ फास्ट व्हाट इज दिस आई हियर अबाउट यू एवरी आई टुक द ऑपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन माय डिफिकल्टीज शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड क्राइड दैट शी वुड राइड टू हर फादर टू कम एंड टेक हर अवे students now he is telling us that because of his poverty he didn't have enough resources to pay the charges levied on him and when he went to his home his wife asked whatever asked about whatever happened with him she had heard everything he tried to explain his difficulties to his wife but

Uh, I was seriously wondering why I should not run away to my village. I decided to encourage my wife to write to her father and arrange for her exit. Not a soul was going to know what my plans were. I was going to put off my creditors and disappear one fine night. So, students, he was also thinking to run away from his village. He decided to send her wife with her father too. नोबडी न्यूज़ वॉट वॉज हिज प्लानिंग टू डू उसने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को उसके फादर के साथ भेज देता हूँ और मैं भी किसी दिन यहाँ से चला जाता हूँ ताकि मेरे जो सारे डेथ्स वगैरह है ही वॉज़ प्लानिंग टू मूव फ्रॉम हिज विलेज बिकॉज ऑफ हिज डेथ्स तो मेरे सारे जो मतलब उसने देनदारियाँ देनी थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी ही डिसाइडेड टू मूव एंड moving to the next paragraph i made preparations to leave the town in couple of days leaving the engine

whole towns in North India, there was a reverberation of it in our town too. We were thrown out of our beds at night and doors and windows rattled. Students, nature ने मेरी बहुत ज़्यादा help की एक different way में उसने nature ने मुझे बचाया क्योंकि जिस time की ये story है उस time North India में अर्थक्वेक आए थे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो घरों का लाइक like, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था तो उस टाइम वो लाइक अर्थक्विक आए और नेक्स्ट uh, डे जो राइटर uh, है जिसके बारे में ये स्टोरी है वो जाने वाला था टाउन को छोड़कर बट द सेम डे वहाँ पे अर्थक्विक आए और उसके पूरे टाउन में उसके लाइक वी वर थ्रोन आउट ऑफ आर बेड्स वो अर्थक् की वजह से हम बेड से नीचे गिर गए डोर्स और विंडोज हैं वो खटखटाने लगी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट ओवर टू टेक अ लास्ट लुक एट माय इंजन बिफोर लीविंग द टाउन आई कुड हार्डली बिलीव माय आईज द इंजन वाज नॉट देयर I raised a hue and cry. Search parties went round. The engine was found in a disused well nearby with its backer. I prayed to heaven to save me from the fresh complications, but the owner of the of the house, when he came round and saw what happened, what had happened, laughed heartily and beamed at me. You have done me a service. Students यर जो वो मैन है ही वॉज गोइंग टू लिव हिज टाउन सो बिफोर लिविंग हिज टाउन ही वॉन्टेड टू सी हिज इंजन वंस जब वो इंजन को देखने वहाँ पर गया उस, उसने देखा कि इंजन वहाँ पर था नहीं तो उसने काफ़ी ज़्यादा लाइक वो काफ़ी चिल्लाया और काफ़ी लोग वहाँ पे उस इंजन को ढूँढने लगे द इंजन वॉज़ फाउंड इन अ डिसयूज वेल नियर बाय जो इंजन है वो एक डिसयूज वेल well के पास था विद इट्स बैकअप उसने उस वेल को कवर कर रखा था अपने बैकअप के साथ आई प्रे टू हैवन टू सेव मी फ्रॉम फ्रेश कॉम्प्लिकेशंस अब उसको डर लग रहा था कि कहीं उसके लिए एक न्यू मुसीबत तो नहीं आ गई है दैट मीन्स उस इंजन की वजह से कोई न्यू कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गई बट द ऑनर ऑफ द हाउस वैन ही केम राउंड एंड सॉ जब उस हाउस का ऑनर वहाँ पे आया और उसने देखा कि क्या हुआ है लाफ्ट हर्टली एंड बीम डेट मे वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने मुझे स्माइल दी और बोला कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है इट वॉज द डर्टीएस्ट वॉटर ऑन द अर्थ इन दैट वेल एंड द म्युनिसिपैलिटी वॉज सेंडिंग नोटिस टू क्लोज इट वीक आफ्टर वीक आई वॉज ड्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग बट योर इंजन फिट्स इट लाइक अ कॉक जस्ट लिव इट दियर तो उस हाउस ओनर ने बताया कि ये जो वेल तुम्हारे रोड इंजन ने तोड़ा है और वेल के ऊपर रोड इंजन खड़ा हुआ है इसमें बहुत ज्यादा गंदा पानी था तो म्युनिसिपैलिटी मुझे नोटिस सेंड कर रही थी इसको बंद करने के लिए इस वेल को बट ही वॉज ड्रेडिंग बिकॉज ऑफ़ द कॉस्ट ऑफ़ क्लोजिंग तो उसको मतलब क्लोजिंग के जो चार्जेस देने की वजह से वो इस चीज़ से डर रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा चार्जेस लगेंगे इस वेल को बंद करवाने के सो ही टोल्ड दैट मैन उसने उस आदमी को बताया कि तुम्हारे इंजन ने इसको बंद कर दिया है इसके ऊपर ऐसे खड़ा हो गया है जैसे कि इसका क्लोजिंग यू नो लिड वगैरह हो कॉर्क मीन्स अ क्लोज़र जस्ट लीव इट देयर तुम इस इंजन को यहीं पर छोड़ दो बट 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 दीज आर द रिएक्शन ऑफ दैट मैन हुस रोड इंजन वॉज देअर जिसका ये रोड इंजन था ये उसके रिएक्शन थे देयर आर नो बट्स आई विल विदड्रॉ ऑल कंप्लेन्ट्स एंड चार्जेस अगेंस्ट यू एंड बिल्ड दैट ब्रोकन वॉल माई सेल्फ ओनली लिव द इंजन देयर ओनली लिव द थिंग देअ तो उसने मुझे बताया कि कोई बर्थ्स वगैरह नहीं तुम इसको यहीं पे छोड़ दो इसके लाइक इन रिटर्न मैं तुम्हारी सारी अपनी सारी कंप्लेंट्स वापस ले लूँगा क्योंकि ये वही हाउस ऑनर था जिसके कंपाउंड वॉल्स को उस एलिफेंट ने तोड़ा था तो उसने बोला कि मैं अपने सारी कंप्लेंट्स वापस ले लूँगा और जो ब्रोकन वॉल है मैं उसको खुद ही रिपेयर करवा लूँगा दैट्स हार्डली इनफ आई मैंशन अ फ्यू अदर एक्सपेंसेस दैट द इंजन हैड ब्रॉट ऑन मी ही एग्रीड टू पे फॉर ऑल दैट तो मैंने उसको बताया कि ये दैट्स नॉट इनफ ये इनफ नहीं है क्योंकि इस रोड इंजन की वजह से उसको और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हुए हैं जो उसने लास्ट कमिटमेंट में मेंशन किए थे जोसेफ के एक्सपेंसेस जो टेंपल एलिफेंट है उसकी लेग इंजरी के एक्सपेंसेस तो उसने बोला कि मैं सारे ये एक्सपेंसेस पे करने के लिए रेडी हूँ तुम इसको यहीं पे छोड़ जाओ द लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर वैन आई अगेन पास्ट दैट वे सम मंथ्स लेटर आई पीप्ड ओवर द वॉल कुछ महीनों के बाद जब मैं दोबारा इस वॉल के साइड से इस घर की साइड से जा रहा था तो मैंने इस वॉल को देखा आई फाउंड द माउथ ऑफ द वॉल नीटली सीमेंटेड अप मैंने देखा कि जो ये वॉल थी वो फुली रिपेयर हो चुकी थी आई हीप्ड अ साई ऑफ रिलीफ मैंने एक शांति से सांस ली दैट मीन्स मैं तब टेंशन फ्री हो गया स्ट्रेस फ्री हो गया ओके स्टूडेंट्स सो द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर आई डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो